सब्सक्राइब कीजिए फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज़ और बेल आइकन को दबाइए। यहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड गपशप, मोबाइल रिव्यू, मूवी रिव्यू, देश विदेश की फ्रेश न्यूज़। स्टेट बैंक अपने सभी ग्राहकों के डेबिट कार्ड बदलने जा रहा है। जी हाँ, ये सच है। स्टेट बैंक पुराने वाले मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड के मुकाबले अब लोगों को EMV चिप वाले कार्ड जारी करने जा रहा है। क्या है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड? मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट कार्ड दूसरे विश्व युद्ध से चलन में है। 1969 में IBM के इंजीनियर फॉरेस्ट पेरी ने पहला मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड बनाया था। पहले क्रेडिट कार्ड का निर्माण 1971 में हुआ था। जाने EMV चिप कार्ड के बारे में। ऑटोमेटेड चिप कार्ड के लिए पहला पेटेंट 1969 में दर्ज हुआ था। 1977 में माइकल उगॉन और हनीवेल बुल ने पहला माइक्रोप्रोसेसर स्मार्ट कार्ड बनाया, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर उपयोग पहली बार टेलीफोन कार्ड के रूप में 1983 में हुआ। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने 30 सितंबर से पहले अपने ATM कार्ड नहीं बदलवाए, उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।